नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस स्टडी में। और आज से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो राजस्थान के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो पटवारी का हो गया या फिर एलडीसी का हो गया, जिसमें भी जीके आती है, तो उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ग्राम सेवक का भी अभी पेपर होने वाला है, तो जो भी पेपर होगा सबके लिए आपके ये हेल्पफुल होने वाले हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि ये पर्यटन वाला हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये थोड़े अजीब से होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बोरिंग लगते हैं काफ़ी। तो मैं इन सब के आपके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और मोस्टली जो मेन क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक रह जाते हैं। तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो रोज़ के मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 15-20, ताकि उससे आपका भी एक तरह से आप बोर ना हो और अच्छे से आप उसको सॉल्व भी कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, तो ये टोंक है, इसका आंसर टोंक हो जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको मैच द फ्लोइंग करना है, मैच करना है, तो मैच में इजीली हो जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं अपने गागरन से। गागरन सबको पता है कि कहाँ पर, झालावाड़ में, और जगदीश मंदिर सबको पता है उदयपुर में हो जाएगा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, और बूंदी का अपना आ गया ये अपना फूल सागर। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पत्रिका द्वारा शाही रेलगाड़ी को विश्व की 19 सर्वोच्च गाड़ियों में श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसी कौन सी है, ये लंदन टाइम्स की, संडे लंदन टाइम्स, इसका आंसर ये होगा। अखबार आती है वहाँ पे, तो उसमें ये रखा गया था, तो इसका आंसर ये होगा संडे लंदन टाइम्स। और इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है रोप वे के लिए चर्चित दूतलाई कहाँ स्थित है, तो रोप वे आप सभी जानते हैं, जैसे सुंडा माता का मंदिर है जहाँ पे दो रोप बनी होती है, एक रोप से दूसरी रोप पे जाते हैं, यहाँ पे आपका जो लगा होता है एक तरह से, जो भी बॉक्स टाइप सा, एक रोप से दूसरी रोप पे जाते हैं, तो वो कहाँ पे है, तो इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ये देखिए उदयपुर में है दूतलाई, तो इसका आंसर ये हो गया। फिफ्थ चलते हैं, फिफ्थ वाला है सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी योजना प्रारंभ करने वाली राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑब्वियसली राजस्थान की बात हो रही है, फर्स्ट होगा इसका। और राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्र सरकार की मदद से विजिटर्स सेंटर फॉर इकोलॉजिकल पार्क की स्थापना समिति कहाँ पर, मतलब कहाँ पर की गई, तो इसका आंसर होगा लीला सेवड़ी पुष्कर। तो याद रखना आप विजिटर सेंटर, क्योंकि पुष्कर में काफ़ी लोग आते हैं, तो आप उससे लिंक कर सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग विजिट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लीला सेवड़ी पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पहली बार पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय मेला ये कौन सा है, इन्वेस्टमेंट नाम से कब आयोजित हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट कब किया था मेले के नाम से, तो ये हो जाएगा आपका 95 जयपुर से। ठीक है, याद रखना पहली बार पर्यटन कब से 95 से हुआ है। फिर राजीव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष से हुई, तो ये होगी 2001 से। 2001 को आप सभी जानते हैं, 2001 से अपना जो था पर्यटन एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी, तो वहाँ से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो राजीव गांधी पर्यटन वाला ये आपका सही आंसर है। चलो आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपके बाकी क्वेश्चन, तो ये है अपना ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में कहाँ के मंदिर शामिल है, तो देखो ब्रज वाला मथुरा से रिलेटेड हो जाएगा ऑब्वियसली, बरसाना झील भी हो गया, अलवर भी हो गया, तो आंसर आपका हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि ब्रज वाला यूपी टच वाले जो भी एरिया सारे आ जाएंगे, मथुरा तो आई ऑब्वियसली, और केला देवी भी हो गया आपके, आपका करौली साइड है, और अलवर भरतपुर भी हो गया मेवात वाला, तो सारे उससे टच होते हैं, तो सभी ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल राज्य के स्थान है, तो कृष्णा सर्किट में इसमें भी सारे आ जाएंगे, क्योंकि नाथद्वारा श्रीनाथ जी और कृष्णा जी है, और खाटू श्याम जी भी हो गया, गोविंद देव जी, कनक वृंदावन चरण मंदिर, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, तो आपका आंसर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, ऑब्वियसली सही है। पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधनों के रूप में विकसित करना, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यटन उद्योग का विकास कर रोजगार के अवसरों पर वृद्धि करना, ऑब्वियसली लोग बाहर से आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे अपना सामान भी सेल करेंगे और उनको ऑब्वियसली रोजगार मिलेगा, तो ये अच्छी बात होगी, ये भी उसका उद्देश्य है। और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास के साधन, ये भी ऑब्वियसली बाहर के लोग आएंगे तो जो यहाँ के लोग होंगे उनका आर्थिक विकास होगा, ऑब्वियसली परचेज करेंगे जो भी बाहर से अंग्रेज वगैरह आएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से ही। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव का है, हाथी महोत्सव सभी जानते हैं जयपुर में आमेर में होता है, तो ये सही है। और ब्रज महोत्सव का आयोजित कहाँ होता है, 13वां क्वेश्चन है, तो ये आपका भरतपुर में, वही वाला, क्योंकि भरतपुर टच करता है अपने जो यूपी वाला एरिया, तो ब्रज वाला ये हो गया अपना ब्रज महोत्सव का। राणा सांगा स्मारक कहाँ स्थापित है, तो सभी जानते हैं खानवा गाँव में, तो ये आपकी राणा क्या सांगा स्मारक वहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं
15वां क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है पर्यटन। पर्यटन में पहला जो कौन सा आता है, पहला जो बाहर से अपना FDI वगैरह आता है, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो होता है, और सेकंड नंबर आपका ये पर्यटन। तो ये आपका हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद और हृदय योजना के लिए राजस्थान किस शहर का चयन किया है? तो ऑब्वियसली अजमेर का, क्योंकि अजमेर ऐसे याद रखना, अजमेर अपने राजस्थान का हृदय कहलाता है, क्योंकि सेंटर में, तो उससे आप याद कर सकते हैं हृदय, और प्रसाद भी, क्योंकि यहाँ पे पुष्कर मंदिर है, तो मंदिर में क्या कहते हैं, प्रसाद मिलता है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। और 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी हुई थी ग्रामीण वाला 2003 में, और शहर वाला 2001 में हुई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पीछे, 2001 से पर्यटन स्टार्ट हुआ था, और 2003 में ये आपको गांव में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम हुनर से रोजगार कब प्रारंभ किया था? तो ये हुनर वाला आपका स्टार्ट हुआ 2008-09 में। हुनर से ये होता है कोई स्किल्स वगैरह, कोई बंदा जैसे कोई क्या कहते हैं, कुछ भी लकड़ी वाला काम कर रहा है, खाती हो गया, या फिर उससे कुछ भी बना रहा है, कोई जूट से क्या कहते हैं अपने बैग बना रहा है, तो कुछ भी हुनर से मतलब खुद का रोज़गार अपना पैदा कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है कि उसको स्किल्स आती है, तो उसको उसके थ्रू अपना ये काम कर रहा है, तो अच्छी बात है। 2008-09 में स्टार्ट की थी, याद रखना आप। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं RTDC, ये तो हर कोई जानता है, इसका आंसर RTDC हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, राजस्थान में कौन से नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये भी मेरे हिसाब से मोस्टली सब जानते होंगे, कालबेलिया आंसर है। ये लोग घूमर करते थे, घूमर नहीं है, कालबेलिया इसका आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन अपने एक और कर लेते हैं, वैसे 20 का बोला था, एक और कर लेते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है तो गिरा। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल सूची में शामिल किया गया, कौन सी है? जंतर मंतर, ये रहा आपका आंसर सही है, जो 2010 में जो लास्ट थी जयपुर वाली। वैसे ऐसे वेशशालाएँ हैं, टोटल 5 है, तो आपकी जंतर मंतर हो जाएगी आपका सही आंसर, क्योंकि चौमू दुर्ग हो नहीं सकता, हवा महल नहीं है, जंतर मंतर आपका लास्ट आंसर। तो ये आज इतने अपने क्वेश्चन करेंगे, तो बताइए आपको जो भी आपका फीडबैक है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसको डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा। और कुछ टॉपिक काफ़ी बुरे से हैं तो याद नहीं होती, इसलिए मैं इसको MCQ फॉर्म में करा रहा हूँ, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चाहे आप कोई भी पेपर देते हैं राजस्थान के, अगर ये अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके बाद से आपको जो अपने मॉडर्न इंडिया होगी और एंशियंट होगी उसके भी MCQ लेके आऊँगा, यानी कि जो भी इंडिया जी की होगी उसके भी आपके सामने MCQ लेके आऊँगा। आपको जो भी सही लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।